हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी हिंदी। जैसे कि अपन ने हिंदी में चैप्टर पढ़ा था 5, आज उसकी अपन एक्टिविटीज देखेंगे। क दे रखा है सही विकल्प पर राइट लगाइए। चारों किसकी दुकान पर पहुंचे थे, असलम की, अकरम की या यासीन की? तो यासीन पे अपन टिक करेंगे। सेकेंड, शहनाज ने खरीदा पैंट सूट या साड़ी? तो सूट। थर्ड देखेंगे अपन, असलम ने खरीदा कुर्ते का कपड़ा, टोपी का कपड़ा या पेन का कपड़ा? तो पेन का कपड़ा पे अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। ख, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, असलम को कपड़े चाहिए नए या पुराने? तो नए पे टिक करके अपन नए लिख देंगे। सेकंड, अक्रम के लिए पानी लाओ, तो मेम साहब या साहब? तो साहब, अक्रम साहब के लिए पानी लाओ। थर्ड, यह अच्छा नहीं है बेटी, कपड़ा या रंग? तो रंग, अपन रंग लिख देंगे, यह रंग अच्छा नहीं है बेटी। फोर, अक्रम के कपड़े निकाल लाओ, फ्रॉक या पैंट? तो पैंट, अक्रम पैंट के कपड़े निकाल लाओ। ग, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, असलम ने इतने कितने दिन शेष बताए? 3 दिन। सेकंड, बाजार कौन कौन गए थे? असलम, अम्मी, अब्बा और शहनाज। थर्ड, दुकानदार व उसके नौकर का नाम? दुकानदार का नाम तो क्या था? यासीन, और नौकर का नाम? अकरम। फोर, अम्मी एवं अब्बा ने दोनों बच्चों हेतु क्या क्या सिलवाने के लिए कपड़े खरीदे? शहनाज के लिए सूट का कपड़ा और असलम के लिए पैंट का कपड़ा। ये आपको करना है।